चर्चा को आगे लिए चलते हैं। स्मृति ईरानी और ये नया बवाल, ये विवाद जहां सियासत भी साधी जा रही है और अपने अपने तरीके से फायदा भी उठाया जा रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सोमनाथ भारती जी, पिछले हिस्से में हम आपको सुन नहीं पाए थे, मेरा सवाल सीधा था और वो ये था कि जो आपके जिम्मेदारी क्षेत्र में नहीं आता है वहां पर आपकी संवेदनाएं खूब जागती हैं और राजनीति करने के लिए पहुंच जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी। मैंने आपका सवाल सुन लिया था अंजना जी, आपने कहा था कि एमसीडी के एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं मिल पा रही है। आपको शायद पता ना हो कि एमसीडी एक वेबसाइट को मेंटेन करने में एक करोड़ रुपया एक महीना में खर्च करती है। एमसीडी के एम्प्लॉयज को सैलरी इसलिए नहीं मिल पा रही क्योंकि वहां भाजपा और कांग्रेस के भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार की वजह से एमसीडी का भी खस्ता हाल है। मैं तो संवेदना की बात कर रही थी ना, दूसरी बात मैं तो संवेदना की बात कर रही थी ना सर, मैं तो कह रही थी इंसान का इंसान से हो भाईचारा। नहीं, आज जो आपने रामलीला मैदान से गाया था, जो अपने शो का शुरुआत किया, वो इसी कारण से। आप देखिए, राहुल जी वहां गए, वहां पे न्याय नहीं मिला। जब केजरीवाल साहब वहां गए, तुरंत ही भाजपा ने सस्पेंशन रिवोक कर दिया। देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर के कारण ही, अरविंद केजरीवाल के डर के कारण ही भाजपा ने न्याय दिया। भाजपा को न्याय करना पड़ा, भाजपा को फोर्स होना पड़ा। दूसरी बड़ी बात जो आज आपने शुरुआत में की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आपने कहा कि जो मतभेद करने से क्या इतना बड़ा बवाल मन सकता है? क्या यूनिवर्सिटीज में मतभेद होने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई छूट नहीं है? मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। आप देखें, दत्तात्रेय जी ने तीन बड़े कड़े शब्द यूज किए, कहा ये कास्टिस्ट है, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये एंटी नेशनल है। जो भी इनकी विचारधारा से सहमत ना हो वो ये एंटी नेशनल हो गए। भाजपा सबको सर्टिफिकेट देने में लगी हुई है। दत्तात्रेय जी को दो स्टूडेंट्स यूनियन के बीच घुस करके 5 बार चिट्ठियां लिखी गई, यूनिवर्सिटी को बोला गया इस पे एक्शन लीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा जांच करिए, उन्होंने कहा इस पे एक्शन लीजिए। एक्शन का मतलब है उन्होंने ऑलरेडी 5 को गिल्टी मान लिया। आज कम से कम 4 स्कॉलर्स तो हमारे पास हैं। एक स्कॉलर अब वो मान लीजिए, रोहित ने कभी भी दलित होने का फायदा नहीं उठाया, रोहित ने अपने रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाया। यही तो मैं कह रही हूँ, एडमिशन लिया सोमनाथ जी, यही आज, तो मैं कह रही हूँ सर, सोमनाथ जी रोहित ने अपने दलित होने का फायदा नहीं उठाया, लेकिन आप और कांग्रेस पार्टी उसके दलित होने का फायदा उठा रहे हैं। नहीं नहीं, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देखिए, लेकिन 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 उसने दलित होने का फायदा नहीं उठाया, आप उसके दलित होने का फायदा उठा रहे हैं। उसने अपनी चिट्ठियों में कहा, रोहित ने अपनी चिट्ठियों में कहा कि मैं शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करता हूं इसलिए ऐसा हो रहा है। एडमिशन में उन्होंने फायदा नहीं उठाया था, लेकिन अपने पीड़ा बयान करते वक्त उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं चर्चा को आगे लिए चलती का हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी कहा, केजरीवाल जी से आप लोग डरते हैं, दिया करो। आज केजरीवाल जी गए, आपने फॉरन सस्पेंशन रिवोक कर दिया। देखिए, वो सोमनाथ भारती जी इतने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और वह यह शब्द कह रहे हैं, भाजपा ने सस्पेंशन रिवोक कर दिया। यह बात बहुत ही विडंबनापूर्ण है, कुछ हद तक हास्यास्पद है। सस्पेंशन रिवोक किया विश्वविद्यालय ने, सरकार का भी सीधे निर्णय नहीं होता और ये पार्टी का निर्णय कह रहे हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल जी तो आरक्षण विरोधी आंदोलन से जवाब से हुआ ही नहीं हुआ। नहीं, आप इस बात को मान लीजिए, आप बोल रहे थे तो मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी तो आरक्षण विरोधी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी कर चुके हैं ना, आज वो स्वीकार कर लें कि मैंने गलती किया था, मैं उस आंदोलन की माफी मांगता हूँ। आप तो ओपनली उसके अगेंस्ट में काम कर चुके हैं। कभी भी, उस विषय को छोड़िए, हमने कभी भी, हमने अब दूसरे विषय पे आइए। जो आरोप लगाए जा रहे थे, आम आदमी पार्टी ने आरक्षण का विरोध नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने, मैं श्री अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी तो 2 साल पहले आई है भाई, अब मैं इस पे आ रहा हूं। देखिए, नहीं नहीं, ना तो अरविंद केजरीवाल साहब ने कभी विरोध किया, ना आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। अब आइए मुख्य विषय पे, हम आम आदमी पार्टी पर यहाँ डिस्कशन करने के लिए नहीं आए हैं। जैसे ये कहा गया कि स्मृति ईरानी जी ने झूठ बोला, मैं विनम्रता से कहता हूँ, जो छात्र अभी आपका बता रहा था उसमें जो जो तथ्य रखे मैं पॉइंट बाय पॉइंट उत्तर देना चाहता हूँ। लेटर लिखने की बात है तो एक नहीं, दसियों सांसदों ने लिखा है। कांग्रेस के हनुमंत राव ने जो पत्र लिखा है, आपको लग रहा है कि बंडारू दत्तात्रेय ने तो एंटी नेशनल कह दिया, चलिए उसमें तो आप कह सकते हैं कि हम विचार से सोच रहे हैं। याकूब मेनन जो देश की सर्वोच्च अदालत से सजायाफ्ता देशद्रोही था, उसका किसी भी प्रकार से समर्थन एंटी नेशनल की कैटेगरी में आता है नहीं, इस पर आप विवाद कर सकते हैं। मगर ये बताइए, हनुमंत राव जी ने तो अपने लेटर्स में ये लिखा था कि वहां के कुलपति घोटाले में लिप्त हैं, चयन समिति गठन किया है जिसकी जांच करने का ना उनको अधिकार है और ना उनकी समर्थता
लिखा थी, इसके बावजूद उस विषय के ऊपर भी निरंतर लिखा गया है। और मैं यह भी पूछना चाहता हूँ भाई, अरे सोमनाथ जी जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोलना, ये बताइए कि याकूब मेहनत के नमाजे जनाजा का दलित कॉज से क्या कनेक्शन है, मुझे स्थापित करके बता दीजिए। दलित सरोकार से याकूब मेनन के नमाज जनाजा का संबंध मुझे स्थापित करके बता दीजिए। देखिए उस बालक ने जो लिखा है अपने पत्र में, वो आहत मन का था, उसको बचपन से पीड़ा मिल रही थी, उस आहत मन के कोमल भावना के बच्चों का दुरुपयोग कर करके राजनीतिक हित में ये लोग उनको ले जाके आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा कर देते हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुयायी कभी सपने में नहीं सोच सकता कि भगवान बुद्ध को आराध्य मारने वाला किसी भी प्रकार से आतंकवाद का समर्थन हो। ये राजनीतिक रोटी स्वीकार करते। नौ दलित छात्रों के ऊपर की आत्महत्या हुई जब कांग्रेस की प्रदेश और केंद्र दोनों में सरकार थी, अनडिवाइडेड आंध्रा में, तब क्या किया राहुल गांधी जी ने, बताइए, मुझे जवाब चाहिए। और अभी तक आपने जवाब नहीं दिया कांग्रेस ने कि एएमयू में दलित आरक्षण हटाया, जामिया मिलिया में हटाया, बताइए आज आप चाहते हैं वो स्थापित हो या ना स्थापित हो। ठीक है, मैं संजय जी और सोमनाथ जी दोनों से जवाब लूंगी और दिनेश जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले रामचंद्र पासवान जी मेरे पास सांसद है एलजेपी के, सुधांशु त्रिवेदी जी, अब तो आपकी सहयोगी पार्टियां भी कह रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो कमियां दिखती है पासवान जी, बीजेपी शिक्षा मंत्री घिरती हुई दिख रही या नहीं दलित छात्र के मुद्दे में, पासवान जी? पासवान जी आवाज आ रही है? कम आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या दलित छात्र के मुद्दे पर जिस तरह से सरकार ने इसको हैंडल किया है, गलत जानकारी दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद से विपक्ष घेर रहा है, दलित छात्र के मुद्दे पर, खुदकुशी के मुद्दे पर घिर गई है बीजेपी और शिक्षा मंत्री? नहीं, ये दलित मुद्दे के नाम पर तो विपक्ष जो है घेरने का तो प्रयास कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हम गए थे, हमारा दलित सेना का पूरा टीम गया था, पार्टी के कुछ वो डेलीगेट लेकर गेट डेलीगेशन भी गया था। तो इसमें जो है इसमें जो हम जहाँ तक हमको जानकारी मिली है, ये तो विपक्ष का और वहाँ लोकल लोगों में तो इसका असर है, लेकिन सरकार इसके लिए उचित कार्रवाई कर रही है, सरकार भी प्रयास कर रही है कि ये जो भी तथ्य सामने आए वो सही छन करके आए। हाँ। और हमारा भी ये मांग रहा है कि चूंकि ये जो दलित एडवाइजेशन है इसको ये फिर से इसका पुनरावृत्ति नहीं हो, जो गलत लोग हैं जिसमें जिनका भी किस नाम जो जांच के तहत आवे तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है जी, शुक्रिया। अब मैं चाहती हूँ कि संजय जी आप और फिर उसके बाद से सोमनाथ भारती जी जवाब दें, जो उनकी बातें रही हैं। संजय जी उसके बाद आ रही हूँ सोमनाथ जी, प्लीज संजय। अंजना जी देखिए, फरीदाबाद में जब मासूम दलित लोगों को जो अत्याचार हुआ था। हाँ। उस पर भारतीय जनता पार्टी के वीके सिंह ने किन शब्दों का उपयोग किया था ये आप जानती हैं, इतने घटिया घिनौनी शब्द उन्होंने कुत्तों का इस्तेमाल किया था। ये भारतीय जनता पार्टी का सोच या इनका नजरिया है जो हमारे देश में कमजोर है, दलित लोगों पर इनका क्या इनका भेदभावना है वो आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, सुधांशु त्रिवेदी जी आप ये समझिए, आप लोग जिस तरीके से दलितों पर निशाना लगाए हैं वो आईआईटी मद्रास का वो हादसा भूल गए आप? एक तरीके से ये ढांचा है अंजना जी, मोहन भागवत का बिहार चुनाव के समय आरक्षण पे टिप्पणी करना, आईआईटी मद्रास का हादसा आज जो रोहित के साथ हुआ है, संजय जी आप जितना कुछ बोल रहे हैं हमारे दर्शक और मैं भी, एक सेकंड संजय जी, जितना भी आप बोल रहे हैं मेरे दर्शक और मैं खुद भी ये कन्विंस हो रही हूँ कि आपकी संवेदनाएं रोहित के साथ नहीं है, दलित राजनीति को आप बैसाखी बनाना चाह रहे हैं बार बार, इसीलिए मैं ये सवाल पूछूं, क्योंकि पिछली बार भी आपने स्लिप रोड से आप निकल गए थे, आपके लिए मन में संवेदनाएं रोहित के लिए नहीं दिखती है सर, रोहित के लिए संवेदनाएं नहीं दिखती हैं, सिर्फ दलित राजनीति, मोहन भागवत ने क्या कहा था, घूम फिर कर आप वहीं पहुंच रहे हैं, और सोमनाथ भारती जी जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का कोई असर नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अंजना जी एक मिनट,
सुधांशु त्रिवेदी ने हमारे कांग्रेस के हनुमंत राव जी की एक चिट्ठी पर टिप्पणी की। हाँ, उस पर भी जवाब। स्मृति ईरानी ने देश के 1 से 25 करोड़ लोगों को झूठ बोला, क्योंकि हनुमंत राव जी की चिट्ठी क्या थी, नवंबर 2014 दो साल लगभग पहले उन्होंने भ्रष्टाचार, उन्होंने जो कैंपस में जो आत्महत्या हो रहा है, उन्होंने जिस तरीके से वहाँ कुशासन है उसको लेके उन्होंने प्रश्न उठाया था। यदि यूनियन एचआरटी मिनिस्ट्री इतनी ही जिम्मेदारी लेती है भाई, तो उस चिट्ठी से 4 महीने पहले तक आपकी सरकार थी दोनों जगह, कहा था और सुधांशु त्रिवेदी जरा इसका जवाब दीजिए कि यदि वीआईपी को जवाब देना जरूरी है तो आज तक हनुमंत राव जी को हनुमंत राव की चिट्ठी पर क्यों नहीं मिला? आप जानबूझ के यहाँ पर चिट्ठी लेके आप सारे मसले को आप बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। अरे भाई शर्म आप लोगों को आनी चाहिए। आप एक के बाद एक गलत तथ्य सामने रखते जा रहे हैं, जो कमजा एक्सपोज होते जा रहे हैं। आप उस बात को सहना नहीं चाहते। पहले आप अपने सांसद की चिट्ठी घुमा गए थे, आप लोग गरीबों को और अब आप कह रहे हैं चिट्ठी के ऊपर हमारी मंत्री ने लिखा नहीं, हमारी मंत्री ने एक नहीं अनेक बार लिखा है। सोमनाथ भारती जी, जल्दी से आपका रिएक्शन, आपका जवाब उनकी बातों का। अंजना जी, जो संजय जी कह रहे हैं, मुझे जान के हैरानी सुन के हैरानी होती है कि 67 साल हो गए दलित आज भी लड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए, और अधिकतर समय तो ये थे कांग्रेस थी शासन में, भाजपा रही शासन में इतने सालों से, दलित कब तक लड़ता रहेगा? डॉक्टर अम्बेडकर के सपने कब पूरा होंगे? आप देखें, माननीय स्मृति ईरानी जी ने झूठ बोला कि अध्यक्ष दलित था, वहां पे हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार ने अपना एफिडेविट फाइल किया है, जिसको चोट लगने का चल रहा था, रजिस्ट्रार ने कहा है कि कोई झगड़ा नहीं हुआ, इस बात को पढ़ा चढ़ा करके एबीवीपी के जो कार्यकर्ता ने वहां पे दाखिल किया। ठीक है, चलिए। कारण क्या है कि एक ऐसा षड्यंत्र रचा गया रोहित को जान गंवानी पड़ी, और मैं देख रहा हूं ना तो सुधांशु जी को इसकी चिंता है, ना संजय जी को इसकी चिंता है, कोई सोच ही नहीं रहा कि एक मेरिटोरियस बच्चा, एक टैलेंटेड बच्चा देश ने गवा दिया। ठीक है, हम सब ये सवाल दिनेश जी मैं आपके पास लेना चाहती हूं, आखिरी सवाल है इस डिबेट का। दिनेश जी, ये जो आंधी अभी रोहित के गिर गई है, तो राजनीतिक धरने के समय किसान ने आत्महत्या की, ये लोग बैठ के देखते रहे थे, संवेदनशीलता इनकी पूरी दुनिया ने टेलीविजन चैनल पे देखी। सुधांशु जी, आपको भी पता है, एक सेकंड, आपको भी पता है उसमें सच्चाई क्या थी। दिनेश जी, आखिरी सवाल है, छोटा सा जवाब इसका। दिनेश जी, ये आंधी खत्म हो जाएगी एक दिन रोहित के इर्द गिर्द, लेकिन जिस तरह से दलित राजनीति को तमाम पार्टियां प्ले अप कर रही है, एक तरफ दरअसल मामला खुदकुशी का है, कई लोग उसको शहादत बनाकर ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है देश में, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस देश को सोचनी है, क्या वाकई यूनिवर्सिटीज में सत्ताधारी पार्टी का जो स्टूडेंट दल है, एबीवीपी है, ऐसे दल है, वो एक खास विचारधारा को थोपने में तमाम सीमाओं को लांग रहे हैं, ये एक डर का विषय है या नहीं? फॉल इन लाइन के साथ और भी नाम लीजिए, एनएसयूआई, जो 50-60 साल से थोपते रहे, फॉल इन लाइन, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाएगा। आपके बात से मैं सहमत हूं। देखिए, राष्ट्र तभी मजबूत होता है जब उसकी संस्थाएं मजबूत हों, और सिर्फ शिक्षा की नहीं, हर प्रकार की संस्था, लेकिन शिक्षा के संबंध में इससे अगर हमें एक सीख मिलती है कि संस्था को थोड़ा स्वाधीन स्वतंत्र रूप से उसके नियम के तहत चलने दिया जाए और अंदर अच्छे लोगों को नियुक्त किया जाए तो भला होता है, राजनीति से इसको थोड़ा हटके रखा जाए तो भला होता है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि इससे हमें जो सीखना चाहिए, ये जो कुछ विवाद हो रहा है, मैं उसके संदर्भ में नहीं कह रहा, लेकिन हमें ये सीखना चाहिए कि संस्थाओं के अंदर, शिक्षा की संस्थाओं के अंदर, हमें एक थोड़ा सा संवेदनशील, सेंसिटिव होना चाहिए दलित वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग, और जो गरीब और पिछड़ा वर्ग है, खासतौर से जो गांव से आता है, जब वो शहरों की संस्थाओं में पढ़ने आता है तो उसको तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसका मनोबल भी टूट जाता है। संस्थाओं के अंदर कुछ ऐसा प्रबंध होना, ऐसे में जो शिक्षा देता है मनोबल बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उसकी होती है। सवाल है कि आने वाला कल ये पूछेगा कि ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी कि एक छात्र ने खुदकुशी की, एक यूनिवर्सिटी ने कैसे कुछ दिन पहले तक ये तय कर दिया था कि वो गुनहगार हैं, और अचानक एक की खुदकुशी के बाद सब सही साबित हो गए, ये समझाना पड़ेगा। देखते रहिए आज टोलो न्यूज के हवाले से आई खबर के मुताबिक, दारुल अमन रोड पर यह धमाका हुआ है, चश्मदीदों की माने तो यह धमाका कार में हुआ है।
काबुल में रूसी दूतावास के बाद।